जन जन की आवाज़ जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और आप जैसा देख सकते हैं कि मीडिया कार्यालय के बाहर फिर से जीएन भारत की टीम मौजूद है यहाँ के अपडेट देने के लिए। आपको बताते चले कि हमने आपको पहले ये बात बताया था कि सीएम हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, उनको समन भेजा गया और उनके साथ ही अब एक और खतरा मंडरा रहा है और वो है एक और नया समन भेजा गया है। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ये नाम हमने आपको बताया था कि माफ़ कीजिएगा हाईकोर्ट ने भी ये सवाल पूछा था जज ने, ये बार बार ये पिंटू कौन है, ये बार बार इनका नाम सुनने में आ रहा है। अब जो पिंटू का नाम हाईकोर्ट ने जो पूछा था, अब ये ईडी ने भी संज्ञान ले लिया है इस बात को। और पिंटू, जी हाँ, अभिषेक प्रसाद जो कि प्रेस सलाहकार है सीएम हेमंत सोरेन के, उनको समन भेज दिया गया है और 1 अगस्त को यहाँ पे हाजिर होने के लिए कहा गया है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि गाल जो है इस बार ईडी जो है किसी भी एक को छोड़ना नहीं चाह रही है। आपको बता दें चले कि अभी साहिबगंज में 2-3 क्रशर को सील किया है, इसके साथ ही जितने भी ट्रक जा रहे हैं अभी साहिबगंज में एक टुकड़ी मौजूद है ईडी की और वो साहिबगंज के चप्पे खंगाल रही है। हर अवैध, हर इलीगल काम को जहां वो गलत देख रही है फौरन उसको सील कर रही है, घेराबंदी कर रही है, उसको पूरे जो ऑफिस है उसको अपने संरक्षण में लेकर, अपनी सिक्योरिटी में लेकर आया है। इसको बहुत पर आप खुद पीछे देख सकते हैं कि बहुत लगे हुए हैं, ये बैरिकेड इसलिए लगे हुए हैं कि जब पंकज मिश्रा को जब से समन किया गया है और दिल्ली में ईडी जो है सोनिया गांधी को समन करी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।